हादसा देखकर बार बार अपडेट आ रहा है यूट्यूब चैनल पर, तो ये देख देख के इनका रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारा एनिवर्सरी आज है 25 तारीख, जिस दिन वीडियो शूट कर रहे हैं आज है 25 तारीख और 27 तारीख को हमारा एनिवर्सरी है। तो आप सभी यूट्यूबर को, आप सभी सब्सक्राइबर को हमारे घर इनवाइट है। हाँ, हम चल ही नहीं पा रहे, कुछ दूर चल रहे हैं, बस पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग रहा है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम लोग टहल रहे हैं सुबह सुबह, तो आज है 24 तारीख ना, 25 तारीख आज है 25 तारीख और सुबह का ये हमारा सुबह का व्यू ये रहे हम लोग आ गए हैं। थोड़ा दूर है मेरा, बस रूम पे पहुंचने वाले हैं, मतलब डालते वापस आ चुके हैं। और बताइए क्या हाल है, तबीयत तो खराब है, पूरा दिक्कत में चल रहे हैं हम लोग। ठीक, चलते हैं रूम पे। दोस्तों अभी खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी को जस्ट लगभग 10 बजने वाला है, और इसलिए अभी खाना नहीं खाए थे कि बैठे बैठे थंबनेल कई सारी वीडियो थी जो पेंडिंग में थी, रखे लेट हो रहा था, तो कई सारा थंबनेल पोस्टर बनाए हैं बिस्तर में लेटे चाय पानी पी के। तो अभी को हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और खाना इसलिए इतना जल्दी आज खा रहे हैं क्योंकि दवा खाना है, तो उसकी वजह से खाना इतना जल्दी खा रहे हैं। सब कोई खाना खाने बैठ चुका है और हम लोग अब अंदर जो कि नीचे ही सोते हैं, तो तख्ता बाहर है और एक तख्ता कन्हैया जी के पास से अंदर है, तो यहाँ खाना निकल चुका है, खाना निकल चुका है। तो अरे लेकिन हमारा तो हां चावल नहीं खाए के, फिर ना हम खा सके ना, आप ना हमारे खाले बार नहीं खाए के। अच्छा, तो हमको चावल खाना मना है और बाबू भी आ चुका है और सोनम भी और कन्हैया जी भी। हाय गाइस, चलिए खाते हैं हम लोग खाना। और ये आलू हम खाना खा रहे हैं, हमको बहुत जोर से भूख लगी, देखिए इतना खाना खा रहे हैं, देखिए। अच्छा, रोटियां ना, कब रोटी ना खा ले, हम देख ले तबियत खराब वाला तो। अच्छा, एक रोटी खा से दो तीन ठेला। चलिए ठीक है, हम लोग खाते हैं। अभी हमारी वाइफ देखिए यहाँ रखवा रही है मेहंदी, इधर मेहंदी रखा रहा है। और कहाँ मेहंदी रखा था, हम रखवा ना चालू करें दीदी ला, जब प्रेग्नेंट रह लो के मेहंदी ना रखल जला। अरे इना जन रखा जा लगना है, लेकिन दोस्तों हमारा परसों एनिवर्सरी है 27 तारीख को, इसलिए इनका परसों एनिवर्सरी है तो मेहंदी रख रही हैं। अब कहीं परसों आज मेहंदी रखवा ला, परसों बाबू हो जाता तब और बढ़िया रही। अच्छा चलिए ठीक है, ओकर रूटीन मनाए कब ले ला, बर्थडे मनाए रहे तो बढ़िया सोई कहो, बर्थडे एनिवर्सरी सब बढ़िया मन जाइए के जाए। चलिए ठीक, रखवाइए, सालू जी रख रही हैं और कन्हैया जी भी रख रहे हैं, अगर बाबू वही दिन हुई है। दोस्तों अभी को सब कोई उठ चुका है, अभी देखिए हमारी वाइफ भी एकदम मुंह दिखाओ, अरे इस तरह जैसे बकंदर। चलते हैं, अभी अम्मी ने हाथ धो चुके हैं और अभी जाना है सुई लगवाने, तो यहाँ अभी गन्ने का जूस रखा था तो मैं जा रहा हूँ पीने, और यहाँ शॉट बन रहा है कुछ और ये सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, तो चलते हैं पीते हैं खाते हैं। अभी जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, जो कि हमारी वाइफ कर इंजेक्शन मत लगवाइए, चुपचाप जाक लगवा काई काई हो, हम भुला गई तो का कन्हैया याद दिया दे लग। चला ठीक है, एक दिन और सुई कुछ आएगा, कैसे सुई नहीं आज लगी, अगर फिर 5 दिन के दवाई दिया फिर 5 दिन सुई लगी। अच्छा हां, अच्छा तब का, अच्छा जैसे दवाई चली उसे सुई, अच्छा हां अच्छा, गलत बोल रही हो, इनको मालूम ना ये डॉक्टर ने क्या कहा था, इनको खुद नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ से किधर से आ जाती हैं, और ये सब खराब चीज है, गलत है भाई साहब, ये मारे खाली कह दे। हम डॉक्टर से नीचे गिर गए दोस्तों, अभी हो चुका है शाम, और शाम हो चुका है, खाना वाना खा के हम लोग तैयार है, बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि हमारा बाबू तो आने ही वाला है, बस कुछ ही दिनों में 6-7 दिन कम है, हमको नहीं लग रहा है कितना दिन और ले जाएगा। और हम लोग रूप तारा जी का यह हाल देखे हैं, जो कि उनका बेबी आईसीयू में, आईसीयू का जला हो
आईसीयू में शीशम पर। हाँ तो हमको लगता है शायद दिक्कत ये होगा कि समय से पहले पियर का ले, पियर का चिन्हवाले, हमको लगता है समय से पहले उनका हो गया ऑपरेशन और बच्चा डिलीवर हो गया, इसके वजह से शायद दिक्कत हो रहा है, पता नहीं दोस्तों हम लोग को। देखिए क्योंकि आईसीयू जो होता है वो शायद माँ की कोख की तरह होता है, शायद हमको उतना डॉक्टर तो है नहीं, डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर कह देंगे ऐसे ही सीधे 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 अगर बोल देंगे तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो हमको थोड़ा बहुत मतलब लगता है। तो उसको अभी 48 घंटे एक या दो दिन रहेगा आईसीयू में, तो उसके बाद धीरे धीरे अब रुकता रहा, एकदम एकदम उदास हो गए, वीडियो रूम को बनाने का भी नहीं मन कर रहा है, क्या करे दिल टूट गया है एकदम। लेकिन फिर भी जानते हैं आप लोग, लाइट लाइट भी रहा हो। हाँ और साथ ही रूप तारा भी एकदम टूट चुके, वो भी रो रहे हैं, विकास भाई भी रो रहे हैं, क्या बताया जाए, बहुत ही अच्छे मित्र थे। पायना भी एक अग्रवाल बहुत ही अच्छे मित्र थे हमारे, और ये हादसा देखकर बार बार अपडेट आ रहा है यूट्यूब चैनल पर, तो ये देख देख के इनका रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये तिल मिला जा रही है एकदम, मतलब का हुई का करी हमारा, का हुई हमारा, का हुई हमारा, का ही बस ये सोच सोच के तिल मिला जाती, बहुत दिक्कत बार क्या बताए, जैसे जैसे दिन नहीं आ रहा था वैसे मन घबराता हमारा दोस्तों, हमारा पता नहीं की पेड़ी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इनका पेड़ू बहुत तेज दर्द कर रहा है, कहते रीढ़ का दर्द करता है, मेरा पेड़ ही एकदम दर्द कर रहा है, शायद धीरे देखिए एकदम पेट छोड़ दिया है, एकदम क्या बोलते हैं बेबी पेट छोड़ दिया है, अब खाली बस समय है कि कब अनबॉक्सिंग हो, बहुत अनबॉक्सिंग करेंगे। और दोस्तों आप सभी को एक जरूरी बात बताना था, जो कि हमारा एनिवर्सरी 27 तारीख को है, अब इसी 27 तारीख को, तो हमारा एनिवर्सरी आज है 25 तारीख, जिस दिन वीडियो शूट कर रहे हैं आज है 25 तारीख और 27 तारीख को हमारा एनिवर्सरी है, तो आप सभी यूट्यूबर को, आप सभी सब्सक्राइबर को हमारे घर इनवाइट है। नहीं दोस्तों इनवाइट नहीं है, किसी को बुला नहीं सकते, क्योंकि कब दर्द चालू हो जाए कौन जान रहा है, अभी तो 27 तारीख को, आज 25 तारीख को, तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को बुला भी नहीं सकते हैं, कहाँ रखेंगे किसी को बुलाएंगे, अगर बेबी नहीं रहता तो कहीं अच्छे जगह होटल वोटल में मनाते हैं, बेबी है तो नहीं मना सकते, कहाँ हम चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ दूर चल रहे हैं बस, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा है इसके, नहीं चल रहे उतना, बस इसी में थोड़ा टहल वहल है, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं कि आप सभी सब्सक्राइबर को नहीं बुला पाएंगे, और पहला एनिवर्सरी था तो उसमें भी किसी को नहीं बुला पाए थे, पता नहीं क्यों हमारे एनिवर्सरी में ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, तो हम सब्सक्राइबर लोग को नहीं बुला पाते हैं, उसके लिए आप लोग उस एनिवर्सरी में मतलब पैसा का भी थोड़ा दिक्कत था और कुछ प्रॉब्लम था, निजी प्रॉब्लम जो आप सभी को नहीं बता सकते, अब की सोचे थे कि मतलब कुछ तगड़ा करेंगे, धूमधाम धूमधाम से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और बस घर पे ही आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, घर पे काटेंगे केक, क्या अब की बात, वीडियो ही देखकर संतोष कीजिएगा, पता नहीं वो भी केक कट पाएगा कि नहीं, पता नहीं वो भी केक कट पाएगा कि नहीं एनिवर्सरी के दिन, उस लायक रहेंगे हम लोग काटने लायक ही नहीं रहेंगे, उस समय क्या हालात रहेगी, लेकिन सब कुछ सही रहता तो सबको इन्वाइट करते और साथ में मनाते, सबके साथ मनाते एनिवर्सरी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, एनिवर्सरी देखेंगे तो हम ही लोग केक काट देंगे और दीदी के घर बस रिश्तेदार कुछ बुला लेंगे अपने खास खास, और कोई नहीं आएगा और किसी को मतलब इनवाइट नहीं करेंगे, जो खास मित्र हैं उन्हीं को बुला लेंगे, तो देखते हैं और आप सब इंतजार, खास मित्र की बात नहीं है दोस्तों, जो नजदीक में है तुरंत आकर तुरंत चले जाएंगे। हाँ ये बात है, जैसे कि सुबह में हम लोग खास के तो बहुत लोग हैं, लेकिन उन लोग को नहीं बुला पाएंगे, क्या करें, खास तो बहुत लोग हैं, उन लोग को बुलाएंगे, रहने का जगह चाहिए, ये रूम बा, पता चले लड़का भाई कहाँ लड़का माई दस होती है, कहाँ सब्सक्राइबर नहीं, जो नजदीक के हैं लोग आकर तुरंत चले जाएंगे, और सुबह ही मना लेंगे हम लोग, सुबह लगभग 10 बजे हम लोग मना, 10-11 बजे हम लोग मना लेंगे, अरे 11 छोटा सा केक ही काटेंगे और मना लेंगे, उसके बाद सब कोई अपने घर चला जाएगा, खाने वाने का व्यवस्था नहीं रहेगा, बस केक थोड़ा सा आएंगे लोग, मुंह मीठा कर लेंगे, सब लोग चले जाएंगे, चलिए और क्या करें, और दिक्कत है आपकी, खाना वाना नहीं बनवा पाएंगे आप लोग, माफ कर दीजिएगा, क्या करें, नहीं तो हम भी खाना वाना तगड़ा बनवाते हैं, उसके बाद सबको बुलाते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बाबू भी पेट में है तो कब दिक्कत हो जाए, नजदीक है क्योंकि आज आज भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है दोस्तों, पेट सो नहीं पा रहा है दोस्तों, अकाली से एकदम नहीं सो पा रहे हैं जी। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं यहाँ ऑफ कर देता हूँ।